अल्मोड़ा जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। एसटीएफ की छापेमारी में कैदी से मोबाइल, दो हेडफोन समेत करीब 24,000 की नकदी बरामद। जेल में बैठकर मोबाइल के जरिए चरस और गांजे का धंधा चला रहे थे कैदी। हापुड़ में गोदाम पर एसडीएम और डीएसपी की टीम ने मारा छापा। गोदाम के अंदर मिले करीब 70 ज्वलनशील पदार्थ के ड्रम। गोदाम में नकली डीजल और मोबिल ऑयल बनाने की आशंका। 150 खाली ड्रम भी बरामद। मुरादाबाद में लगातार बढ़ा हुआ है प्रदूषण का लेवल। पेड़ों पर जमी मिट्टी हटाने के लिए 15 वाटर टैंकर से पेड़ों पर पानी का छिड़काव करा रहा है नगर निगम। हापुड़ के गालंद में बन रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर ग्रामीणों और भारी फोर्स आमने सामने। मौके पर पहुंचे निगम के अधिकारी। ग्रामीणों ने दीवार बनाने का काम भी रुकवाया, जमकर किया हंगामा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल आया सामने। एबीपी गंगा संवाददाता ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्ट्रक्चर का लिया जायजा। ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी ने किया है तैयार। 25 नवंबर को पीएम मोदी रखेंगे नींव। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर एयरपोर्ट। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने दुरुस्त इलाकों के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए कानूनी मदद की बनाई योजना। लोग अपने नजदीकी डाकघर में कानूनी मदद से संबंधित कर सकते हैं आवेदन। राजद सुप्रीमो लालू यादव का दिखा अलग अंदाज। पटना में अपनी जीप पर सवार होकर फर्राटे भरते नजर आए लालू यादव। इस उम्र में भी खुद ड्राइविंग कर लोगों को चौंकाया। सुप्रीम कोर्ट का प्रदूषण को लेकर कड़ा रुख। कहा, हर साल ये मुसीबत क्यों झेले, इस तरह से हम दुनिया को क्या संकेत दे रहे हैं। हालात बिगड़ने से पहले एक्शन क्यों नहीं लेती सरकारें। 29 नवंबर को अगली सुनवाई। कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित पैनल के सदस्य अनिल घनवट ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। कहा, किसानों की गलतफहमी दूर करने के लिए रिपोर्ट सार्वजनिक कर दीजिए। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी की जमकर हो रही है किरकिरी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने गार्लिक का मतलब अदरक बता दिया। मीम बनाकर सूचना मंत्री का मजाक उड़ा रहे लोग। गार्लिक को कहते हैं लेस, लेस नहीं अदरक, गार्लिक इज अदरक, सॉरी गार्लिक अदरक। तो अदरक जो है उसकी ये जो कीमतें हैं इनकी वो भी कम हुई। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ नौकरशाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश की सरकार और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार के बीच दिखाई समानता। तुलना करने पर इमरान खान ने वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ दिए जांच के आदेश। अमेरिकी दवा निर्माता कंपनी फाइजर का दावा, उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों में दूसरी खुराक के 4 महीने बाद 100% प्रभावी रही। किसी को कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। अमेरिकी प्रशासन ने अपने वर्चुअल डेमोक्रेसी समिट में 110 देशों को किया आमंत्रित। इन देशों में इराक, भारत और पाकिस्तान समेत ताइवान भी शामिल। चीन और तुर्की को किया बाहर। बुधवार 24 नवंबर को हरे निशान पर खुलने के बाद कारोबार के अंत में गिरावट पर बंद हुआ शेयर मार्केट। 323 अंकों की गिरावट के साथ 58,340 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 88 पॉइंट टूटकर 17,415 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार 24 नवंबर को सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट। 90 रुपए की गिरावट के साथ 47,736 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 604 रुपए की नरमी के साथ 63,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची चांदी। न्यूजीलैंड और भारत के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज कानपुर के ग्रीन पार्क में सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा मैच। T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर चुकी है टीम। बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस से संपर्क कर दावा किया कि उन्हें ISIS कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। DCP सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में गौतम गंभीर के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।